आप कहाँ से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्रा से। कुरुक्षेत्रा से क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आए? सर, जो भी ये धांधली हो रही है SSC में, हम इसमें एक CBI जांच चाहते हैं ताकि ये एक निष्पक्ष जांच हो और हमें भी ये तसल्ली मिले कि सब ठीक है या नहीं। तो क्या धांधली किस किन किन सर? जैसे अब टायर 2 का पेपर लीक हुआ है और ऐसे ही सुनने में आता है सर, पहले MTS का भी हुआ था। सुनने में आता है या हकीकत? हकीकत है सर, स्क्रीनशॉट आते हैं पेपर्स के बाहर। 65 से लेकर 84 रोल नंबर तक लगातार पेपर सिलेक्शन हो रहा है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? लगातार मतलब कितने से? 65 से लेकर 84 तक लगातार है, मतलब सीरियल? हाँ सीरियल। और सर किस पेपर की कट ऑफ 70% जाते हैं? 70% कट ऑफ जा रही है सर। 54% पे IAS बन जाता है, 54% पे IAS हो जाता है बंदा। क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार, आप कहाँ से? गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर UP। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है, मैं भोपाल MP से आया हुआ हूँ। भोपाल MP से? हाँ, पिछले 5 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। और हमारी जो 4 मांगे हैं, पहली मांगी उसमें ये है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, अंडर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होनी चाहिए। सेकंड हमारी मांगे हैं कि जो इसका वेंडर है, जहाँ से एग्ज़ाम के पेपर आउट होते हैं, उसको हटाना चाहिए, वेंडर चेंज करना चाहिए। और मेरी एक मांगे और है, जो अभी करंट पीरियड में अभी परीक्षाएं चल रही हैं, वो चाहे MTS हो, CHSL हो, CGL हो, जूनियर इंजीनियर हो, जो भी हो, उन सभी को कैंसिल किया जाए और इसमें कार्रवाई शुरू की जाए। और जो इसका रिजल्ट आया है वो हमको टाइम बाउंड दिया जाए कि हम 6 महीने 5 महीने के अंदर आपको क्लियर कर देंगे। और इसकी जांच मुझे पूरे CBI जो SSC की पूरी जितनी अभी 2017 में रिक्रूटमेंट हुई है, 2015 और 2016 और आगे जो होगी, उन सब की जांच चाहिए, पूरी CBI की, मुझे मतलब SSC की जांच चाहिए। और बस इतनी हमारी सिंपल सी मांगे हैं। परेशानियां सभी को मालूम है, पिछले 7 दिन से बैठे हुए हैं और इनडायरेक्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने ऊपर ले ली है, पिछले 7 दिन से सुन नहीं रही है। SSC का जो है तो है ही, और मेरी सरकार से यही मांगे हैं कि जन से अंत हमारी पूरी मांगे मानी जाए और जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक हमारी आगे नहीं पूरी मानी जाएगी। आप कोर्ट की बातें कर रहे हैं तो कोर्ट के 4 जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि लोकतंत्र खतरे में है। तो देखिए, हमें लोकतंत्र, हम अभी बहुत ज़्यादा हमारी जितनी अंडर मांगे हैं, हमें वो तो ठीक है लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन हमारी जो सिंपल सी मांगे हैं, 4 मांग ली जाए और शुरुआत लोकतंत्र बचाने की यहीं से होगी। हम लोकतंत्र बचा रहे हैं अपने हिसाब से, बस मैं चाहता हूँ मेरी मांगे पूरी कर ली जाए और ज़्यादा हम कुछ चाहते नहीं है।